और आज गाइस हम बड़े ठंडे पानी में नहा कर रहे हैं। पूरे दिन बहुत गर्मी थी और फिर अब थोड़ा रेनी वाले था, इस वजह से अब नहा कर बहुत मजा आया नहाते हुए। और इधर है भाई, इन भाई साहब का नाम है दुम्बी और ये पुशअप्स कर रहे हैं। देख के इनको पता नहीं क्या लत चढ़ी हुई है पुशअप्स करने की। गाइस ये बहुत मोटे हो गए, 61 किलोग्राम्स, अनएक्सपेक्टेड। और हमारी छोटी बहन भी इनका साथ दे रही है, छोटी बहन एज यू कैन सी। तो गाइस ये कह रहे हैं कि इन्होंने डोली निकाली, देखते हैं कि एक हफ्ते में निकाल पाते हैं, इनका टारगेट सेट है। मैं इतने बड़े डोली निकालूंगा दुनिया देखती कि देखी रह गाइस, इनको इनके ख्वाब में रहने दो। तो गाइस ये हमारी छोटी बहन है, इसका नाम है अनाया और ये बहुत प्यारी है। ये सब अभी 4 साल की हुई है, इसे अगले महीने स्कूल भेजने वाले। और गाइस अगला हमारे दोस्त बात याद रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा चरगोजा है तू। गाइस बात ये है, हम दोनों ट्विन ब्रदर हैं। बात ये है, मेरे अंदर एक ऐसी जीन आई हमारी एंसेस्टर्स की, जिस वजह से मैं काफी ब्यूटीफुल और पावरफुल हो गया और मैं काफी हैंडसम हो गया। चल चल ना बंद, तू तो ज्यादा मैं पावरफुल हूं। गाइस किसी को डोले भी नहीं मुंह पे है, मुंह पे कौन से डोले होते हैं, तो किसी को तो इधर एक डोला है इधर एक डोला। गाइस इसे से मैं पागल हो गया। गाइस ये मेंटली इल हो चुका है, ये मेंटली इसका दिमाग फट चुका है। तू बच जा वरना मैं बहुत कुट पड़ेगी, चुप कर जा, मुझे एक्सरसाइज करने से मैं पहले ही नहीं कुछ खा पा रहा। गाइस इसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। गाइस इसकी शक्ल देखे, एक बार शक्ल देखे। गाइस ये देखे, ये रात के 1:15 बजे लिटरली पुशअप्स में लग गया यार। गाइस लिटरली ये देखे, इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ, रात के 1:15 बज रहे हैं और इस बंदे को पता नहीं क्या पुशअप्स की पड़ रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिनों में डोले निकाल पाओगे? सॉरी मैं तो अगले दिन ही डोले निकाल लूंगा। सॉरी मैं कहने का मतलब था कितने सालों में डोले निकालोगे? तू तो डोले निकाल भी नहीं सकता, इतना ना बोल। गाइस ये पागल हो चुका है, ये मेंटली टॉर्चर हो चुका है, ये साइकोपैथ सोशियोपैथ पता नहीं क्या बात, मेंटल पाथ जो भी कह सकते। गाइस ये बन चुका है, गाइस ओ माय गॉड। मगर तुमने तो तुम तो कह रहे थे कि तुमने कल डोनट की पार्टी रखनी है। यार वो छोड़ दो यार, वो बात की बात है, ये तो ऑफ कैमरा बात है ना, ये तुम अभी क्यों कर रहे हो? अजीब, समर की छुट्टियों की भी अब हम कोई पार्टी ही नहीं कर सकते। गाइस इसने सुबह सुबह पाए खाई है, दोपहर को निहारी खाई है और रात को इसने हलीम खाई है। गाइस ये देख रहे कितना पेटू है। और मैंने क्या खाया है, मैंने सुबह में अंडा रोटी खाई, दोपहर में मैंने चॉकलेट खाई, एक बहुत कम कैलोरीज वाली, टोटल 106 कैलोरीज वाली। और गाइस फिर रात के एंड पे मैंने एक बहुत कम कैलोरीज वाला एक प्रोफेशनल 10,000 रुपीज के अंदर अंडा डाल के खाने वाले और तू झूठ बोल रहा है ऑन कैमरा मेरे सामने। भाई मैं झूठ नहीं जाने देता। ओ यार बात ये झूठ बोल पे थे, बाद में मैं सब कुछ बता दूंगा, बस अभी के लिए मुझे सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है? ठीक है। तो गाइस हमारी बहन आपको एक डांस दिखाना चाहती है। अच्छा मैं अनाया मैं गाऊंगा और आप डांस करोगी, ठीक है? ओके चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा रूबी रूबी राबा राबा आई राई नूई रूई तू। गाइस वो मोटा तो अपने प्रोग्रामों में आया, साथ में उसके साथ छोटी बच्ची है जो गानों पे डांस कर रही है। तो अब हम इन भाई साहब के पास आते हैं। जी बोलिए। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। मौसम बहुत प्यारा था, मैं जरा नहा धोकर आ गया। गाइस सच में नहा धोकर आ गई, इसकी हालत काफी अच्छी तरह पता चले कि काफी अच्छी तरह से नहा धोकर आए। भाई साहब ये काफी लाइक सा एक बच्चा है। गाइस अब क्या कीजिए यार, बुराई करता है मेरे। हाँ जी करता हूँ, तो तू क्या कर लेगा? डरता हूँ तेरे से। डर गया गाइस, हरा दिया। और ये देखो ये देख, मैंने फिंगर की ट्रेनिंग शुरू कर दी अपनी। गाइस ये मेरा दिमाग फाड़ने का, ये रूबिक्स क्यूब को हैंड की ट्रेनिंग की समझ रहा है। गाइस ये कितना का कोई बेवकूफ है। अब मैं इतना इसके साथ खेलूंगा, इतनी अपनी उंगलियों की मसल्स निकालूंगा, 100-100 किलो एक उंगली पे उठाऊंगा। गाइस इमेजिनेशन काफी बड़ी होती है। तो गाइस अब हमारा बेड टाइम है और हम सोने वाले हैं, तो भैया आ जाओ लेट।
चिच्चू मुझे याद है एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। तो ना एक बकरी थी, उसने कहा एक बकरे को आई लव यू। तो बकरा कहता फायदा क्या ईद आ गई है। बस वो स्टोरी। हाँ हंसना भी था। हाँ चलो इधर हंस लेते हैं। मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, ये एक लव स्टोरी है। तो एक बंदा होता है, उसका नाम होता है हादी। हादी अब कॉलेज जा रहा होता है। कॉलेज जब हादी कॉलेज जा रहे होते हैं तो वो कॉलेज में बहुत से नए फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स जैसी कोई चीजें करते हैं, जैसे उनका हैंग आउट करना वगैरह, खाना खाना, बहुत सी मजेदार चीजें करते हैं। मगर एक दिन वो जा रहा होता है, वो जल्दी में होता है, वो थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है। तो जब वो जा रहा होता है उसका सर किसी लड़की से टकराते हैं, उनकी चीजें बिगड़ जाती हैं। फिर वो जब उठ के देखते हैं उस लड़की की आंखें देखते हैं, वो प्यार उसे महसूस होता है जो उसे कभी पूरी जिंदगी नहीं हुआ था। गाइस उसके लिए एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट होता है। गाइस वो मोमेंट जब उसको प्यार की लहर का फीलिंग आई। गाइस तो होता क्या है, तो बस ही करते हैं, बस 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 बहुत लव स्टोरी होगी। अब मेरे पास भी एक किस्सा है। तो एक ना पायलट होता है, प्लेन ना बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है और पहाड़ी इलाके में होता है। तो और जा यार मैं तुम्हारी कहानी सुन के पक गया हूँ यार। अच्छा ये आलस चीज देखो, ए एम कैसे करो, हां तो ये कैसे करेगा, तुम भी करके देखो ये कैसे। और आलस ट्रिक आती है, आधा हो गया था। ओ ये क्या हुआ, ए मैं तो अंगूठा टूट गया। कैसे है वो, कैसे है, बताओ कैसे कर रहा है, जा ही नहीं रहा। ये गाइस देखना अभी कितना मतलब बोलेंगे तुम लोग को, भी कुछ बोलिए। अब ये देखो, ये करके देखो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। अभी देखो मैं एंड बनाऊंगा। कुछ भी नहीं आता, ये देखो, हेलो, ये तो हम सब नहीं आता ना तुम्हें। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो उंगली कट गई। कैसे ये देखो, क्या कर रहे हो, ये देखो। अच्छा तो ये खिड़की दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे खिड़की दिखाओ, ये देखो कैसे करते हो। तुम दोनों अपने बाजू नीचे करो और ये देखो मेरी ट्रिक, सो जाओ। ओए तू मेरी चादर पे आया, ओए मेरी चादर है, ओए ओए तू नहीं निकला, तू नहीं बचेगा। अगर मैं तेरी नाक ना करूं तो मेरा नाम मुस्तफा नहीं। तो गाइस जैसे आपको पता है कि लाहौर में पिछले दिन बहुत गर्मी रही है और अब ठंडी बारिश हुई है। तो ऐसे हालात इंसानों के भी साथ होते हैं, कभी कभी जिंदगी में खुशी होती है, कभी कभी जिंदगी में गम होता है। तो हम तो खुशियों को इंजॉय करते हैं, मगर गम को भी कभी कभी बर्दाश्त और सह लेना चाहिए, क्योंकि ये गम अल्लाह के ताला की तरफ से आता है, हमें इसे सह लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अल्लाह ताला ने इस गम का अजर भी रखा है। गाइस तो मेरी दूसरी बात ये है कि आप शिकायतें करना छोड़ दें। जो लोग शिकायतें करते हैं ना वो कभी भी जिंदगी में सुकून नहीं पाते, और जो लोग होते हैं ना जो सह लेते हैं और अल्लाह की रजा में मतलब मान लेते हैं, उनको बहुत सी नेकियां अल्लाह नवाजता है। गाइस मैंने भाइयों को कहा था कि वो भी आ जाए, मगर वो भाई नहीं आए। और जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो मुझसे जलेंगे और कहेंगे कि हमें क्यों नहीं लेकर गए। गाइस अब वो नीचे लैपटॉप उठाए, मोबाइल पर लेके, और मैं काफी आला मौसम हुआ है गाइस, सच में मैं क्या ही कहूँ इस मौसम के बारे में। इतनी ठंड, इतना आलीशान मौसम, सिर्फ लड़ा तो गाने भी गाइस। इधर हर जगह परिंदे उड़ रहे हैं, हर जगह परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं गाइस। शायद आपके कैमरा में ना दिख रहे हैं, मगर इधर बहुत प्यारे प्यारे और खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं इतने दिनों बाद ऐसा मौसम आया तो किसको नहीं अच्छा लगेगा गाइस। वैसे बहुत ज़्यादा मौसम है गाइस, सबको ये मौसम मिले। आई होप कराची वगैरह में भी ये मौसम होगा, क्योंकि उधर भी बहुत गर्मी है, इंशाल्लाह उधर भी अच्छा मौसम होगा। मगर गाइस इधर तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, हम मौसम का मजा लें। अब बारिश होना शुरू होगी, शायद अगर दिख नहीं रहा होगा, मगर बारिश होना शुरू हो गई है और भाई भी आ गए हैं। आज तेरे सारी बुलेट फाड़ दूंगा, ना करो मना करने दो यार, इतना मजा आ रहा है। गाइस बारिश का वेदर है तो कुछ एंजॉयमेंट करने का मन चाह रहा है। कितना दूर गया।